हाय एवरीवन, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके ना परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे बी ऑनर्स इंग्लिश फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने इस साल डी यू सोल में एडमिशन लिया है। तो आज की वीडियो में सभी स्टूडेंट के लिए जिन्होंने बी ऑनर्स इंग्लिश में एडमिशन लिया फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आपके जो जो सब्जेक्ट रहेंगे उनका मैं सिलेबस आप बताने वाला हूँ। बाकी सिलेबस आप SOL की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। एक वीडियो भी लेकर आ जाऊंगा कि हाउ टू डाउनलोड फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो बी ऑनर्स इंग्लिश में आपके तीन कंपलसरी रहेंगे। पहला रहेगा आपका इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज़, ठीक है। फिर दूसरा रहेगा आपका यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर। फिर तीसरा रहेगा आपका इंडियन क्लासिकल लिटरेचर। जैसे जेनिक इलेक्टिव में से आपने एक चूज़ किया होगा, इनमें से मैथ वही लेगा जो जिसने 10वीं तक मैथ पढ़ी होगी, ठीक है। और इसके AEC में से आपने एक चूज़ किया होगा EBS या कोई और सब्जेक्ट, तो हम EBS डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि सिलेबस में EBS ही था, ठीक है। स्किल एनहांसमेंट में से आपने एक चूज़ किया होगा इन तीनों में से एक, जिसमें फाइनेंस फॉर एवरीवन रहेगा, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, रंगमंच, इन तीनों में से आपने एक चूज़ किया होगा। चौथा जो रहेगा आपका वैल्यू एडिशन कोर्स में से आपने एक चूज़ किया होगा इन चारों में से, ठीक है। अब जरा स्टार्ट करते हैं। पहला रहेगा आपका इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज़, जरा इसका देख लेते हैं। तो पहले जो यूनिट है, देखिए सिंपल सी बात है, बी ऑनर्स इंग्लिश में पूरी की पूरी या तो नोवेल होती है या तो लिटरेसी होती है, पूरा लिखने का पेपर होता है। पहला यूनिट बनना है आपका रीडिंग द नोवेल, इन नोवेल को आपको रीड करना है, नोवेल दे रखी हैं ये सारी नोवेल्स हैं, ठीक है। यूनिट टू में भी रीडिंग द पोएट्री, ये सारी पोएट्री है, इनको रीड कीजिए, इनसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तीसरी यूनिट में रीडिंग द ड्रामा, बताइए रीडिंग द पोएट्री, रीडिंग द नोवेल, रीडिंग द ड्रामा, तीन यूनिट है इसमें टोटल, ठीक है। और ये सारे आपकी ड्रामास हैं आपके उस बुक में होंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर, तो यूरोप के क्लासिकल लिटरेचर के बारे में होगा। यूनिट वन होमवर्क द ओडिसे होगा आपके बुक में, ठीक है। यूनिट टू में आपका है एरिस्टोटल और आपका एंटीगन, ठीक है, ये सारे आपके बुक में ही है। यूनिट थ्री का आपका रहेगा एरिस्टोफेंस के ऊपर है, ठीक है। तीसरा यूनिट, चौथा आपका है इंडियन क्लासिकल लिटरेचर, तो ये थोड़ा इंडियन है, यानी इंडिया में जिन भी क्लासिकल लिटरेचर हुआ उसके ऊपर रहेगा। यूनिट वन आपका रहेगा ब्यास डांसिंग एंड स्किल, ठीक है, आपका डा टेम्पिटेशन ऑफ करण कृष्णा पीस प्रपोजल, ये सारा रहेगा आपका, ठीक है। यूनिट टू में आप पढ़ोगे कालिदास, यूनिट थ्री में आप पढ़ोगे अटिकाल द बुक वंशी, ठीक है, तीन यूनिट आप इसमें आपको ही मिलेगी। फिर आपका रहेगा जेनिक इलेक्टिव, जिसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर आप ने ले रखा था तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपका रहेगा इतना वेटेज रहेगा इस सब्जेक्ट अगर ले रखा होगा। इंट्रोडक्शन बिजनेस इंटरप्राइजेस बिजनेस एनवायरमेंट एंटरप्रेन्योरशिप फाउंडिंग द बिजनेस कंटेम्प्रेरी इशूज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर इंट्रोडक्शन में ये आप पढ़ोगे इस बुक से अगर आपने ले रखा है तो, बिजनेस इंटरप्राइजेस में अगर आपने ले रखा है ये पढ़ोगे आप, ठीक है। तीसरा बिजनेस एनवायरमेंट एंटरप्रेन्योरशिप फाउंडिंग द बिजनेस, पाँचवा ये है, पाँच यूनिट आपको इसमें देखने को मिलेगी। फिर नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है। इंट्रोडक्शन ये इसका सिलेबस है, बता रहा हूँ मैं आपको यूनिट वाइज है। यूनिट टू में पढ़ोगे कंज्यूमर थ्योरी, यूनिट थ्री में पढ़ोगे प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, यूनिट फोर में पढ़ोगे परफेक्ट कॉम्पिटिशन, यानी चार यूनिट आपको इसमें देखने को मिलेगी। तीसरा आपका दिल्ली द थ्रू द एजेस द मेकिंग ऑफ अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री, तो हिस्ट्री का है, तो इसमें यूनिट वन एंशिएंट दिल्ली, यूनिट टू में आप पढ़ोगे सेटलमेंट ऑफ सिटीस्केप, ठीक है, और यूनिट थ्री में पढ़ोगे 16th से 17th century दिल्ली, जिसमें आपका हुमायूं गार्डन टॉम मॉर्फोलॉजी साधनाबाद। यूनिट फोर में आप पढ़ोगे 18th century दिल्ली, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है जेनिक इलेक्टिव का मैथमेटिक्स, ले रखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, वैसे मैथ कौन लेता है, ठीक है। पहला दूसरा तीन यूनिट आपको इसमें देखने को मिलेगी, नोट कर लीजिए। फिर आपका चौथा है पॉलिटिकल साइंस इंडिया एंड इंडियन पॉलिटिकल थॉट, अगर ये आपने ले रखा है तो पहला यूनिट धर्म दंड कौटिल्य जेंडर
कल्चर, स्वराज, न्याय, हिंदुत्व, सावरकर, ठीक है, आपका दीनदयाल उपाध्याय का है, ये सारा रहने वाला है आपका, ये पूरा सिलेबस है, ठीक है। अगर अगर आपने EBS ले रखा होगा AEC के अंदर, तो उसका सिलेबस देख लीजिए। तो पहली यूनिट है आपका इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल स्टडीज़, और दूसरी यूनिट है इकोसिस्टम, और आपका तीसरी यूनिट है नेचुरल रिसोर्सेस, और आपका चौथी यूनिट है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। बस ये 4 यूनिट आपको देखने को मिलेंगे इस बुक। फिर आपका स्किल एनहांसमेंट कोर्स कॉमर्स फाइनेंस फॉर एवरीवन अगर ले रखा है, तो इसके बाद देख लेते हैं ज़रा क्या रहने वाला है। पहला रहेगा यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल प्लानिंग एंड बजटिंग, ठीक है। फिर दूसरा आपका रहेगा बैंकिंग सर्विसेज, तीसरा रहेगा फाइनेंशियल सर्विसेज फ्रॉम द इंडिया पोस्ट ऑफिस, मतलब ये सारे आपके टॉपिक्स हैं इस वाली बुक के। इंश्योरेंस सर्विस ये थोड़ा बता रखा है डिटेल में क्या क्या पढ़ोगे। स्टॉक मार्केट सम बेसिक कंसेप्ट, ठीक है, ये आपका रहेगा। फिर नेक्स्ट बुक जो आपकी रहेगी वो रहेगी आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, जरा इसका नोट कर लीजिए इसका क्या रहने वाला है। इसमें तो थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन यूनिट 1 में आप पढ़ोगे कि थ्योरी क्या रहती है, रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, फिर आपका स्पीकिंग स्किल्स, ये सारा रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आप रंगमंच, हिंदी का है ये, जरा देख लेते हैं इसका भी। तो पहली यूनिट में पढ़ोगे भारत मुनि कटकृत नाट्य शास्त्र, हिंदी का पारंपरिक रंगमंच। यूनिट 2 में पढ़ोगे प्रस्तुति प्रक्रिया, आलेख का चयन। तीसरी यूनिट में पढ़ोगे आप अभिनय की तैयारी, वांछिक, आंगिक और आहार्य, सात्विक। यूनिट 4 में पढ़ोगे आंसू अभिनय, थिएटर गेम्स, संवाद, वाचन, शारीरिक अभ्यास, सीन वर्क। और यूनिट 5 में पढ़ोगे मंच प्रबंधन, सेट, रंग सामग्री, प्रचार प्रसार, ब्रेशर्स निर्माण, ठीक है, ये रहेगा आपका। नेक्स्ट है वैक का, अगर वैल्यू एडिशन में से अगर आपने इंग्लिश का ले रखा है वैक में से, क्योंकि इसमें से आप एक सिलेक्ट करोगे रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश, तो इसमें ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। ये सारा सिलेबस है। पहला आपका हाउ टू रीड ए नोवल, नोवल एज ए रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, पहले यूनिट 2 बंकिम चंद्र चटर्जी के ऊपर है। और तीसरी यूनिट है आपका चमन निहाल आज़ादी, बस 3 यूनिट आपको इसमें पढ़नी होगी, ठीक है, यानी ये पूरा कोई स्टोरी वगैरह दे रखी है आपकी बुक में। फिर नेक्स्ट है आपका वैल्यूडेशन कोर्स का भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य, तो ज़रा देख लेते हैं इसमें आपका जो सिलेबस में रहेगा। पहले यूनिट में आपका भारतीय भक्ति परंपरा, भक्ति का अर्थ, अवधारणा, भक्ति के विभिन्न संप्रदाय, सिद्धांत, भारत की सांस्कृतिक एकता, भक्ति, भक्ति का अखिल भारतीय स्वरूप। यूनिट 2 में पढ़ोगे भारत के कुछ प्रमुख भक्त और उनके विचार, जैसे ये सारे भक्त हैं, देखिए नोट कर लीजिए, ठीक है। तीसरे में पढ़ोगे मानव मूल्य और भक्ति, 3 यूनिट है इसमें पूरे सिलेबस में। फिर आपका जो दूसरा जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा पॉलिटिकल साइंस का, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो ज़रा इसका सिलेबस देख लीजिए। तो पहली यूनिट रहेगा आपका द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें आपका फेडरल रहेगा, सोवरेनिटी रहेगा, इसका ये आपका सेकुलरिज्म रहेगा। यूनिट 2 में आप पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ठीक है। और यूनिट 3 में पढ़ोगे फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A से लेके K तक, लीगल स्टेटस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, जुडिशियल अप्रोचेस, 3 यूनिट आप इसको आपको देखने को मिलेगी। फिर तीसरा आपका रहेगा लास्ट का बैक का योगा का, इसमें योगा फिलोसफी एंड प्रैक्टिस का, संस्कृत का है ये सब्जेक्ट, तो इसमें आपका रहेगा पहला योगा आसना प्राणायाम ध्यान, हिस्ट्री ऑफ योगा, सिग्निफिकेंस ऑफ आसना, इफेक्ट ऑफ प्राणायाम, इम्पोर्टेंस ऑफ ध्यान, ठीक है। यूनिट 2 में पढ़ोगे, ये पेपर भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा। पतंजलि योगा सूत्र चक्रा, ये सारा सिलेबस रहेगा इसमें। पतंजलि योगा सूत्र समरी, फर्स्ट सूत्र, सेकंड सूत्र, चक्रास, ठीक है। फिर तीसरी यूनिट पढ़ोगे अंडरस्टैंडिंग आसना प्राणायाम। तो ये मैंने सिलेबस बता दिया वैल्यू एडिशन का भी,